हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, अभी सुबह का 1:45 होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को घड़ी दिखा, ये देख लीजिए, 1:45 होने वाला। तो इस समय हम चल रहे हैं कहीं, निरात को इतनी सुबह कहाँ जाना है मुझे, अभी आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। तो मुझे चलना है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर कहाँ जाएंगे ये सब आप लोग को आगे वीडियो मिलेगा। तो चलिए, हम अभी नहा वहाँ फ्रेश हो गए हैं और हमारे बाइक भी रेडी है उधर। तो दोस्तों, हम अभी दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर हैं, यानी कि हमको आज सुबह सुबह ही दुल्लापुर स्टेशन आना पड़ा। और यहाँ से हमारी ट्रेन है, जो कि हम ट्रेन से जाएंगे कानपुर जंक्शन। तो चोरी चोरा एक्सप्रेस पकड़ना है, तो चोरी चोरा एक्सप्रेस का समय होने वाला है, तो जैसे ही आती है हम उसको पकड़ के निकलेंगे। आप लोगों ने प्लेटफार्म पर देखा, अंधेरा है काफ़ी, दिख नहीं रहा है साफ, और मेरा भी फेस नहीं साफ आ रहा है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। तो हम जो है ट्रेन में बैठ गए और हमारी सीट जो है ये पीछे रही, सीट नंबर 5। तो काफ़ी भीड़ है, एक भी सीट खाली नहीं है। ट्रेन चल दी है, हमारे पीछे देख रहे हैं, इधर ट्रेन चल रही है। तो अंधेरा की वजह से मैं कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, जैसे उजाला होगा तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब जो है हम फ्रेश हो गए हैं। इससे पहले वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत काफ़ी मुझे नींद आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरा शरीर जो झूम रहा था, तो सो रहा था, तो इसलिए आपको वीडियो दिखा नहीं पाया। अभी सुबह हो गया तो मैं इलाहाबाद जो है जंक्शन डाक रहा हूँ, तो यहाँ का आप लोगों ने व्यू देखा थोड़ा सा। तो अब यहाँ से मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि हमें जाना कहाँ है। हम कानपुर रेलवे स्टेशन चलेंगे, वहाँ से फिर कहाँ जाएँगे वो मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊँगा। तो अभी देखिए, इधर का मैं सीन जंक्शन इलाहाबाद के बाहर आउटर साइड का इधर देख रही है, ट्रेन चल रही है, स्लोली स्लोली जो है बढ़ रही है। आप ट्रेन में अभी इस समय सफ़र कर रहे हैं तो घर से नाश्ता पानी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से जो है कुछ सामान मिल नहीं रहा है खाने के लिए, ना चाय आ रहा है, ना कोई मतलब भुजा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अभी 8 बजे चाय मिला प्रयागराज स्टेशन पर, इससे पहले कहीं नहीं मिला, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप घर से नाश्ता लेके चलिए। हमारे पास भी नाश्ता था थोड़ा सा, तो खाएं, अगर नहीं लेकर आएंगे कुछ भी तो आप भूखे ही रह जाएंगे। गाड़ी खड़ी है, यह दुर्घटना राहत गाड़ी है प्रयागराज। अभी जो देख रहे हैं ना, कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन की तो इस गाड़ी के डब्बे को ले जाया जाए, क्योंकि इसमें वो सब टूल्स है जो राहत कार्य में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं, कानपुर सेंट्रल पहुंच गए हैं और स्टेशन पर बस गाड़ी पहुंचने वाली है, तो अब वहाँ उतरेंगे। हमें कानपुर सेंट्रल नहीं उतरना है, हमको अनवरगंज उतरना है, इसलिए हम अनवरगंज के लिए जा रहे हैं। अभी सेंट्रल से गाड़ी खुल गई है और इधर की देख रहे हैं पैसेंजर बिल्कुल खाली, सब लोग जो है कानपुर सेंट्रल उतर गए हैं। तो अभी जो है हम अनवरगंज उतरेंगे और गाड़ी यहाँ से लगभग दूरी वहाँ का 2 किलोमीटर है, तो गाड़ी चल रही है। मैं देखिए, गाड़ी चल रही है अभी। We'll be right back.
इस समय दोस्तों ट्रेन में सफ़र करने में काफ़ी सुविधा हो गई है क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं रही है और पैसेंजर गाड़ी हो या एक्सप्रेस गाड़ी हो जनरल बोगी में बिल्कुल खाली, यानी आप घर से ही ऑनलाइन सीट बुक करके आ सकते हैं, जितनी सीट उतने ही पैसेंजर बैस हैं, तो काफ़ी जो है सुविधा हो गई है। और इस समय हम चौरी चौरा एक्सप्रेस में हैं और इधर बाथरूम बहुत बदबू दे रहा था, बहुत गंदगी थी, लेकिन क्या करें पैसेंजर है ना, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जो लोकल क्षेत्र से होके गुजरती है ट्रेन तो वहाँ के जो पैसेंजर होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि फ्लश किस तरह से करना है, टॉयलेट करने के बाद पानी गिरा देना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं गिरा पाते, इसकी वजह से बदबू काफ़ी देता है। तो ये है, अगर आप इस समय सफ़र कर रहे हैं तो घर से नाश्ता पानी ले कर चलिए, क्योंकि अब पहले के जैसा जो है कोई बेचने के लिए नहीं आ रहा है, हर चीज़ आ रहे हैं लोग बहुत कम आ रहे हैं, जो चर्चित जो ज़्यादा बड़ा स्टेशन है जहाँ भीड़ थोड़ा है वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और बाकी हर जगह कोई बिक्री करने के लिए नहीं आ रहा है, चाट पकौड़ा या जो भी खाने योग्य आइटम हो, स्टॉल भी सब स्टेशन पर का बंद है, एक दो स्टॉल खुला हुआ है, तो इसलिए पहले से व्यवस्था करके घर से लेकर आइए नाश्ता पानी। झुग्गी वाले रहते हैं, झुग्गी बना के मिलता है, और इधर सब कॉलोनी है कानपुर में रेलवे की। देखिए अनवरगंज स्टेशन पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, गाड़ी इधर खड़ी है, अब यहाँ से हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए प्लेटफार्म से बाहर निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे वहाँ से फिर निकलेंगे वहाँ पे। तो अब यहाँ से चल रहे हैं बाहर, प्लेटफार्म के बाहर चलेंगे, वहीं से ऑटो पकड़ेंगे और जहाँ जाना है हमें वहाँ चलेंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग ऑटो से उतर गए हैं, जहाँ जाना था बस पहुँचने वाले, बारिश भी आ गई, देखिए ऊपर से बारिश भी होने लगी, तो अब बारिश से बचते हुए जल्दी जल्दी चलना है फटाक से, काफ़ी समय लग गया, हम लोग 3 बजे से निकले हैं और थक गए हम लोग, ट्रेन से चले पूरे रात, मतलब सोए नहीं है, जगह ही जगह, और अभी हम लोग यहाँ से 200 मीटर पैदल जाना है। तो दोस्तों आज का था हमारा यह सफ़र, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।